ॐ भूर्भुवः स्वाहा। दीप से यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापित करें। ॐ भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्नाः पृथिवी वावरिम्णः तस्यास्ते पृथिवी देवायजनि पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्नाध्यायादधे। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमम। ॐ आयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने द्यस्ववरद्यस्वचिद्यवरधाय चाष्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधाय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं न मम। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। देव कुमार परम वीर बलराम और कृष्ण चंद्र बलराम और देवकी नंदन है महाराज। प्रणाम महाराज। आयुष्मान हो। आइए दाऊ। गंधार नरेश शकुनी और गांधारी नंदन महारथी महावीर दुर्योधन अपने अनुजों सहित भांजे, चलो भांजे, आओ दुर्योधन। Thank you.
अंगराज, महारथी दानवीर कर्ण। अतिथि का स्वागत है। आओ अंगराज, आओ मित्र, विराजो। सिंधु नरेश महारथी पराक्रमी महाराज जयद्रथ। पंचाल नरेश महाराज द्रुपद। आयुष्मान भव। महाराज, प्रणाम। महाराज, और कुलगुरु कृपाचार्य। प्रणाम कुलगुरु। प्रणाम कुलगुरु। प्रणाम गुरु। आयुष्मान। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान। प्रणाम कुलगुरु। आयुष्मान। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। सम्राट युधिष्ठिर, पूज्यवर भीष्म पितामह, महर्षि वेदव्यास, राजमाता कुंती, महारानी द्रौपदी और राजरानी सुभद्रा सहित पधार रहे हैं। तुम्हारा आज हमारी पृथ्वी सारी, हे धर्मराज है राज तुम्हारा आज हमारी पृथ्वी सारी। हे राजाओं के राजा सारे, राजा तेरे आज पुजारी। वंश के हंस तुम्हारे पंख उड़े ले कीर्ति पताका, यह चंद्र बढ़े ले खंभ गगन के और छोर तक धर्म ध्वजा का। हे कुरुकुल के अवतंस तुम्हारे यशोगान को जग हो गाता। सूर्य तुम्हारे राज सूय में तूर्य बजाता। हे
काल जय मना रहे दिक्पाल तुम्हारी। प्रिय धर्म कर्म का मर्म सर्वदा रहे तुम्हारा हृदय विहारी। हे वीर युधिष्ठिर धर्म युद्ध में निश्चय तेरी जय हो जय हो। दिन फिर तेरी सदा विजय हो कीर्ति उदय हो। सदा विजय हो कीर्ति उदय हो। कीर्ति उदय हो सदा विजय हो। सदा विजय हो कीर्ति उदय हो। कीर्ति उदय हो सदा विजय हो। सदा विजय हो कीर्ति उदय हो। कीर्ति सबसे पहले मैं महर्षि व्यास अन्य ऋषियों और ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं जो मुझे आशीर्वाद देने यहां पधारे हैं। ये इंद्रप्रस्थ नगरी उनके आने से धन्य हो गई। फिर मैं पूज्य पितामह भीष्म को प्रणाम करता हूं जिनके स्नेह की छाव ने सदैव ही हमें कड़ी धूप से बचाने का प्रयत्न किया। फिर मैं ज्येष्ठ पिताश्री हस्तिनापुर नरेश महाराजाधिराज धृतराष्ट्र को प्रणाम करता हूं जो मुझे आशीर्वाद देने यहां आए हैं, और यदि वे ना आते तो पांडु परिवार का आनंद अधूरा रह जाता। फिर मैं महात्मा विदुर के चरण स्पर्श करता हूं जिनके ज्ञान की दीपमाला मेरे गले में पड़ी हुई है। इसके उपरांत मैं अपने गुरुजनों कुल गुरु कृपाचार्य और आचार्य द्रोण के चरण स्पर्श करता हूं जिन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा देकर योग्य बनाया, और अब मैं अपने अनुजों दुर्योधन दुशासन विकर्ण और सुकर्ण को अपना स्नेह भेंट करता हूं, और एक बार फिर भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए नरेशों एवं महारथियों को मैं प्रणाम करता हूं। अपने ज्येष्ठ भ्राता कर्ण को भी प्रणाम करो पुत्र युधिष्ठिर। आप बड़े भाग्यवान हैं राजन कि आपके आमंत्रण पर भारतवर्ष का पूरा सभ्य समाज आपको बधाई देने और आपके राज्याभिषेक में सम्मिलित होने के लिए यहां एकत्रित हुआ है। मैंने अपनी लंबी जीवन यात्रा में ऋषियों का ऐसा समूह कभी नहीं देखा। इनके यहां उपस्थिति ही इस बात को सिद्ध करती है कि इस राज्य में और इस राज्यसभा में सदैव ही ईश्वरीय कृपा की वर्षा होती रहेगी। राजन आपके सारे सगे संबंधी भी यहां आए हुए हैं, तो आदरणीय अतिथियों का सत्कार कीजिए, अलग अलग उनकी पूजा कीजिए। जो आज्ञा, परंतु पहले किसकी पूजा करूं पितामह? जो सर्वश्रेष्ठ हो। तो पहले महर्षि व्यास की पूजा करूं या आपकी? ना ही महर्षि की और ना ही मेरी। आज आप धर्म के प्रतिबिंब है राजन। आपकी आंखों को तो यह देख लेना चाहिए था कि इस सभा में ही नहीं पूरे त्रिलोक में ही यदुवंश शिरोमणि वासुदेव श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की अग्र पूजा हो ही नहीं सकती। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यह मुझे प्रिय है। यह मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि मैं इनका भक्त हूं। क्या आप यह नहीं देख रहे कि भारतवर्ष के इन जगमगाते मुक्तों के बीच में ये ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो तारों के झुरमुट में चंद्रमा, और जब चंद्रमा के दर्शन हो रहे हों तो तारों की ओर कौन देखता है? जैसे अंधकार की चुनरी ओढ़कर सोई हुई धरती सूर्य के शुभागमन से जाग उठती है, और वायुहीन स्थान वायु का स्पर्श होते ही
जीवित हो उठता है और सांस लेने लगता है। वैसे ही देवकी नंदन के इस राज्यसभा में होने से यह राज्यसभा जगमगा भी रही है और सांस भी ले रही है। तो क्या इनके यहां होते हुए स्वयं महर्षि व्यास अग्र पूजा के लिए आगे बढ़ सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। ये यहां हैं और इनके होते हुए कोई और पूजनीय हो ही नहीं सकता। यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो अवश्य बोल सकता है। अपना स्थान ग्रहण कीजिए देवकी नंदन। आइए। जब अग्रिम पूजा के हित माने भीष्म पितामह माधव को, जब अग्रिम पूजा के हित माने भीष्म पितामह माधव को, सब धन्य कहें सब धन्य हुए अरु धन्य करें मानव भव को, तब निश्चित ही निश्चिंत हुए कर पूजन अर्पण चरणन को, सब मान गए यह मान रहे बस केशव को, बस केशव को, बस केशव को, बस केशव को, बस केशव को।